नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम सीखेंगे फंडामेंटल के अंदर डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके पार्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो देखिए, डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अपने पास कुछ इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। जैसे अपने घरों में वो डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। पिछली क्लास में हमने जाना था कंप्यूटर को डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया था। पहला एनालॉग, डिजिटल और फिर हाइब्रिड। अपन बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। तो यदि हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर जीरो और एक के आधार पे काम करता है। जो भी अपन ने कुछ अपने कीबोर्ड से कुछ डाटा देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो जीरो और एक में काम करता है। जैसे अपने ए दबाया, हमने तो अपने कीबोर्ड से ए दबाया, लेकिन कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके जीरो और वन के कोडिंग के आधार पर उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा, अगर इनका काम इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट में डाटा एक्सेप्ट करता है, जो भी अपने जो डाटा कुछ आदेश देते हैं तो वो इनपुट के रूप में जो भी अपने आदेश दिए वो एक्सेप्ट करता है, फिर जो अपने आदेश दिए उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में अपने को रिजल्ट देता है। डायरेक्ट करंट, डिजिटल कंप्यूटर डायरेक्ट करंट के आधार पर कार्य करता है। अगर आगे है सेमीकंडक्टर मैन कंप्यूटर, यदि अपने डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर सेमीकंडक्टर डिजिटल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे है डायोड एंड ट्रांजिस्टर। डायोड एंड ट्रांजिस्टर ये सेमीकंडक्टर का ही एक उपकरण होता है। एक देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए भी अपने सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, का उपयोग आईसी, आप इंटीग्रेटेड सर्किट बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। यदि हम डिजिटल कंप्यूटर के घटक की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर दो पार्ट्स में अपन बांट सकते हैं। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इन सभी के बारे में बात करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर के अगर डिजिटल कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे हार्डवेयर के इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज और सीपीयू। इन सभी के बारे में अपन एक एक करके बात करेंगे। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जिस प्रकार हार्डवेयर के अलग अलग घटक होते हैं उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के भी होते हैं। इन सभी के बारे में अपन आगे बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्डवेयर की, हार्डवेयर क्या होता है। आपके सामने जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आप जो भी अपन छू सकते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। ये तो देखिए एक सिंपल सी परिभाषा है। तो इसके अलावा देखिए फिजिकल जो कंपोनेंट होता है जिसे अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। जैसे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को अपन छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। मदरबोर्ड और कौन सा होता है, सीपीयू होता है। और क्या होता है, वेंटिलेशन फैन होता है। फैन हो गया और हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई और ग्राफिकल कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया और वेब कैमरा हो गया, पावर सप्लाई हो गया, पावर सप्लाई। ये क्या होते हैं, ये अपने हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। एक देखिए फर्मवेयर है।
फर्मवेयर का आपने नाम सुना होगा, क्या काम में आता है फर्मवेयर? फर्मवेयर देखिए, फर्मवेयर भी एक हार्डवेयर का एक हिस्सा ही होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कि किस प्रकार से कार्य करना है, और हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करने के लिए फर्मवेयर का ही उपयोग किया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर का इंटरफेस करना है उसके लिए अपन जो फर्मवेयर है इसका उपयोग करते हैं। एक जैसे सॉफ्टवेयर है और जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर को काम करने के लिए निर्देश देता है, उसके बाद जो अपना हार्डवेयर है काम करना शुरू कर देता है। तो ये तो है हार्डवेयर। एक लाइन नोट कर लीजिए फिर, फर्मवेयर भी एक हार्डवेयर का हिस्सा है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, अर्थात हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करने के लिए फर्मवेयर का उपयोग किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को काम करने के लिए निर्देश देता है। आगे बढ़ते हैं, अगर अपन बात करें हार्डवेयर के प्रकार, आवश्यकता के आधार पर हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? आवश्यकता के आधार पर हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी हार्डवेयर, एक ऑक्सिलरी हार्डवेयर। इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि प्राइमरी हार्डवेयर कैसा होता है और ऑक्सिलरी हार्डवेयर कैसा होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्राइमरी हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वह हार्डवेयर जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, वह हार्डवेयर प्राइमरी हार्डवेयर या मेन हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कौन सा? जैसे अपना हो गया सीपीयू। सीपीयू अगर अपने कंप्यूटर में नहीं है तो नहीं चलेगा। मन मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, मेमोरी हुआ, इनके अलावा इनके बिना अपन कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गए, प्राइमरी हार्डवेयर या मेन हार्डवेयर, इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। कंप्यूटर का वह हार्डवेयर कंप्यूटर का वह वह हार्डवेयर जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, कार्य नहीं कार्य नहीं कर सकता वह हार्डवेयर वह हार्डवेयर प्राइमरी हार्डवेयर या मेन हार्डवेयर कहलाते हैं। प्राइमरी हार्डवेयर या मेन हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीपीयू हुआ, मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ और मेमोरी हुआ, ये कौन से हो गए? ये हो गए अपने प्राइमरी हार्डवेयर। अगर हम बात करें ऑक्सिलरी हार्डवेयर, वो कौन से वाले होते हैं? कंप्यूटर के वह हार्डवेयर जिसके बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है। अब देखिए, अगर बात करें तो ऐसे कौन से हार्डवेयर हैं जिसके बिना अपना कंप्यूटर काम ही कर ले? जैसे प्रिंटर हुआ, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो भी अपना कंप्यूटर काम कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपको कोई हार्ड कॉपी चाहिए तो वो नहीं निकलेगी, लेकिन कंप्यूटर अपना सही तरीके से काम कर पाएगा। एक जैसे स्पीकर हुआ, स्पीकर के बिना भी अपना कंप्यूटर काम कर लेता है। अपने अगर गाने सुनने हो तो अपन लगा सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं होती जो स्पीकर है उसकी। एक माउस हुआ, माउस ना हो तो अपन कीबोर्ड से भी अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। एक स्कैनर हुआ, ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सिलरी हार्डवेयर है। इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। कंप्यूटर का वह हार्डवेयर जिसके बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है
कार्य कर सकता है। कौन से हैं? जैसे जैसे कौन सा हो गया? प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, ये क्या है? ऑक्सिलरी हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर के प्रकार मदरबोर्ड के आधार पर, मदरबोर्ड के आधार पर हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, एक तो पेरिफेरल हार्डवेयर, एक है नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। इन दोनों ही के बारे में बात करेंगे कि पेरिफेरल हार्डवेयर कौन सा होता है और नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कैसा होता है। तो देखिए, आपने मदरबोर्ड तो देखा होगा, जैसे ये अपना मदरबोर्ड। अब देखिए, अगर हम बात करें पेरिफेरल हार्डवेयर की, पेरिफेरल हार्डवेयर किसे कहा जाता है? जो हार्डवेयर मदरबोर्ड का भाग नहीं है उन्हें बाहरी हार्डवेयर या पेरिफेरल हार्डवेयर कहा जाता है। मदरबोर्ड का भाग कहाँ, कैसे? जैसे आपने माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, वो कहाँ पे लगते हैं? वो अपने जो प्लग होता है, जैसे ये है, यहाँ पे अपने बाहरी साइड में लगाया जाता है। किसी वायर से ही तो अपने इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, जो जिनसे अपना वायर के जरिए अपन कनेक्ट करते हैं वो हो गए बाहरी हार्डवेयर। अपने जैसे डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो हार्डवेयर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का भाग नहीं है, मदरबोर्ड का भाग नहीं है, समझ रहे हो? जैसे अपने यहां पे हैं, ये जो कनेक्ट कर रखे हैं, जैसे सीपीयू है, सीपीयू का सॉकेट है, यहाँ पे रैम का सॉकेट है, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये क्या है? ये मदरबोर्ड के पार्ट है। लेकिन जो अपने बाहर से जो कनेक्ट करते हैं वो मदरबोर्ड के बाहर नहीं होता। पेरिफेरल का मतलब जो बाहर का जो ये लाइन है, बाहर की जो बाउंड्री है, यहाँ पे जो कनेक्ट होने वाले जो हार्डवेयर है वो पेरिफेरल हार्डवेयर कहलाते हैं, नहीं है उन्हें उन्हें बाहरी हार्डवेयर या पेरिफेरल हार्डवेयर कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया अपना, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या है? बाहरी हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। जैसे कि अभी आपको बताया, कंप्यूटर के वह हार्डवेयर जो जो कीबोर्ड के ऊपर लगते हैं, कीबोर्ड के अंदर सेट होते हैं, वो नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कहलाता है। अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो हार्डवेयर हार्डवेयर मदरबोर्ड का भाग है उन्हें आंतरिक हार्डवेयर हार्डवेयर या नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीपीयू है, मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है, कैश मेमोरी है,
ये कौन से हो गए? ये हो गए नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। हार्डवेयर के प्रकार कार्य के आधार पर, हार्डवेयर कार्य के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार से कार्य करता है, तीन स्टेप्स में कार्य करता है। पहला इनपुट हार्डवेयर, दूसरा सिस्टम हार्डवेयर या प्रोसेसिंग, और तीसरा आउटपुट हार्डवेयर। पहले स्टेप्स की बात करें तो सिस्टम हार्डवेयर में सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग या तंत्रिका तंत्र, क्योंकि सीपीयू के बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसे दिमाग या तंत्रिका तंत्र कहा गया है। देखिए कुछ एक फेमस है, अगर अपन सीपीयू की बात करें वो देख लेते हैं। पहला है इंटेल i3, i5, i9, AMD Ryzen, MOS टेक्नोलॉजी, Xeon, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855, एप्पल A9, स्पार्क प्रोसेसर, पेंटियम कोर 2 ड्यू। ये कुछ एक फेमस अपने सीपीयू है। सीपीयू के अगर अपन कार्य की बात करें, सीपीयू के मुख्य चार कार्य होते हैं। कौन से होते हैं? पहला हो गया फेच, दूसरा डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट और चौथा स्टोर। इन सभी के बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है अपना फेच। फेच क्या होता है? फेच का कार्य क्या होता है? डाटा और निर्देशों को रैम से रजिस्टर तक लाना फेच कहलाता है। यहां पे लिख देते हैं डाटा और निर्देशों को रैम से रजिस्टर मेमोरी तक लाना क्या कहलाता है? फेच कहलाता है। दूसरा क्या था अपना? दूसरा था डिकोड क्या होता है? जैसे आपने कोई निर्देश दिए हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो इसे ही डिकोड कहा गया है। क्या कहा गया है? तो बाइनरी में कन्वर्ट करना डिकोड कहलाता है। अब देखिए डिकोड कैसे होता है। जो भी अपने फेज के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है वो प्रोग्राम का असेंबली इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट किया जाता है और फिर उस इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करना ही डिकोड कहलाता है। तीसरा कौन सा है अपना? तीसरा है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का क्या कार्य होता है? डिकोड होने के बाद जो अपने निर्देश दिए हैं, जो डाटा दिए हैं, वो डिकोड हो जाते हैं। डिकोड होने के बाद उन इंस्ट्रक्शन को रन किया जाता है, उसे ही एग्जीक्यूट कहा जाता है। लिख लेते हैं डिकोड होने के बाद इंस्ट्रक्शन को रन करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने के बाद अगला है स्टोर। एग्जीक्यूट द्वारा जो जनरेटेड रिजल्ट है उसको रैम में डालना ही स्टोर कहलाता है। लिख लेते हैं एग्जीक्यूट द्वारा जनरेटेड
रिजल्ट को रैम में डालना, तो ये क्या कहलाता है? स्टोर। अब देखिए ये चारों के चारों प्रोसेस में कैसे कार्य करते हैं, तो एक डायग्राम से जान लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया अपना कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और यहां पे हो गया एएलयू, और यहां पे ये होगी रैम। अब देखिए फेच क्या होता है, रैम से जो भी डाटा है, रैम से जो भी डाटा है उसको रजिस्टर मेमोरी में डालना। रजिस्टर मेमोरी कहाँ होती है? कंट्रोल यूनिट के अंदर। उसके बाद डिकोड होता है, यहां पे लिख लेते हैं अपन, ये हो गया, क्या हो गया? फेच, और ये डिकोड। डिकोड होने के बाद डिकोड कहां होगा? एएलयू के अंदर, एएलयू ही डिकोड करता है। फेज क्या होगा? रैम से कंट्रोल यूनिट तक है जो अपना निर्देश जो डाटा है वो भेजना, वो क्या हो गया? फेज हो गया। क्या लिखा था आपने? रैम से रजिस्टर मेमोरी तक लेके जाना किसी डाटा को, वो क्या कहलाता है? फेज कहलाता है। फेज के बाद डिकोड, डिकोड होना मतलब जो निर्देश है उन निर्देशों को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो बाइनरी में कन्वर्ट कौन करेगा? वो करेगा एएलयू। यहां पे होने के बाद जो अपना जो कन्वर्टेड जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहां आएंगे, एग्जीक्यूट कहां पे होगा? यहां पे होगा। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होने के बाद एएलयू अपना कंप्लीट काम पूरा कर लेता है। कंप्लीट काम कैसे? एग्जीक्यूट का मतलब डिकोड होने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस को रन करना, वो कहलाता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने के बाद जो स्टोर की बारी आती है, तो वापस कहां पे आएगा जो अपना जो निर्देश है, जो रिजल्ट है, वो यहां पे अपना रैम में चला जाएगा। अपने क्या लिखा था? एग्जीक्यूट द्वारा जनरेटेड रिजल्ट को रैम में डालना ही स्टोर कहलाता है। तो ये थी अपनी प्रोसेस। फेज किसे कहते हैं? रैम से जो अपना रजिस्टर मेमोरी है उसके अंदर भेजना, और डिकोड, डिकोड का मतलब जो अपना निर्देश है उनको अपने कन्वर्ट करना, और उसके बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब डिकोड किए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रन कराना, और रन कराने के बाद उनको एग्जीक्यूट, जो रन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको रैम के अंदर डालना ही स्टोर कहलाता है। तो ये थे अपने सीपीयू के चार मुख्य कार्य। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।